उदाहरण 9। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर है के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30° व 60° है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल। माना PQ टीला है तथा A व B उसके विपरीत ओर स्थित दो मकान हैं। दिया गया है कि PQ बराबर 60 मीटर, कोण XPA बराबर 30°, इसीलिए कोण PAQ बराबर 30°, जो कि एकांतर कोण है। इस प्रकार कोण YPB बराबर कोण PBQ बराबर 60°, समकोण त्रिभुज PQA में 30° बराबर हमारे पास लंब है PQ और आधार है AQ। अब 30° का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर PQ हमारे पास 60 है बटा AQ। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AQ बराबर 60√3 मीटर। पुनः त्रिभुज PQB में 60° बराबर हमारे पास लंब यहाँ पे है PQ बटा आधार है BQ। 60° का मान हम जानते हैं 3 होता है, बराबर PQ का मान 60 है दिया है बटा BQ। तिर्यक गुणा करेंगे हम तो BQ को हम तिर्यक गुणा करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे और वर्गमूल का पक्षांतर करके दाएं पक्ष में लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा BQ बराबर 60√3। आगे देखते हैं, हमारे पास प्राप्त था BQ बराबर 60√3। यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ 3° में और हर में भी 3 से गुणा करेंगे तो BQ बराबर हमें प्राप्त होगा 60√3/√3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा और फिर 3 से इसको हम काटेंगे अंश और हर में तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और 0 = 0 तो हमें प्राप्त होगा BQ बराबर 20√3 मीटर। इस तरह से हमने BQ का मान 20√3 मीटर ज्ञात किया। अतः मकानों के बीच की दूरी AB बराबर AQ धन BQ है। तो AQ का मान हमने निकाला था 60√3 मीटर धन BQ का मान हमने निकाला था 20। यहाँ पे हमने BQ का मान 20√3 मीटर निकाला है। तो इस तरह से हमने देखा कि AB जो है 20√3 मीटर और 60√3 मीटर धन 20√3 मीटर का योग जो है 80√3 मीटर होगा। इस तरह से हमने दो मकानों के बीच की दूरी 80√3 मीटर ज्ञात की। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।